बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ फ्रेंड्स अदिल और आप लोग देख रहे हैं अदिल कार्स ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और कार लेके आया हूँ जो कि सुजुकी एफएक्स 1987 मॉडल है। आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे और पूरी डिटेल इसी वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो कहीं भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हर किस्म नई और पुरानी गाड़ियों को ख़रीदने के लिए या अपनी गाड़ी को फ़रोख्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए घंटे के निशान को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। गाड़ी जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम गाड़ी की बॉडी की बात करें तो गाड़ी आप लोगों को वाइट कलर में मिल जाती है और गाड़ी फुल जीन बननी है, बल्कि इसको बाहर से कलर किया गया है। गाड़ी बाहर से कलर है और अंदर से जीन बन है, अंदर से गाड़ी अपने हालात में है। इसके अलावा गाड़ी के टायर और रैम की बात कीजिए तो गाड़ी में आप लोगों को न्यू टायर मिल जाते हैं और रैम इसमें स्पेशल नहीं है बल्कि सादा वेलकफ गाड़ी में मौजूद है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में आप लोगों को इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और लाइफ टाइम टोकन है। गाड़ी के साथ स्मार्ट कार्ड सब कुछ गाड़ी के साथ मौजूद है। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी अवेलेबल है। अगर आप लोग इस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। गाड़ी होम यूज़ कार है, इसीलिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और इस गाड़ी का जो प्राइस 1,50,000 है तो इस प्राइस में इस तरह की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत है गाड़ी का। इसके अलावा हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो गाड़ी के इंजन में किसी किस्म का काम नहीं है, गाड़ी को आपने सिर्फ ख़रीदना है और चलाते रहना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये गाड़ी अंदर से जीनवन है, अंदर से गाड़ी को कलर नहीं किया गया है। इंटीरियर की बात कीजिए तो गाड़ी बेतबार इंटीरियर के भी माशाल्लाह साफ़ है। इसका डैशबोर्ड साफ़ है क्योंकि इस पर एक कपड़ा सजाया गया है, इस वजह से गाड़ी का डैशबोर्ड साफ़ है। और पोशिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको आपने चेंज करवाना होगा। इसके अलावा गाड़ी की प्राइस की बात कीजिए तो गाड़ी का प्राइस तो आप लोगों को पता है कि 1,50,000 है। और आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस गाड़ी के प्राइस में मज़ीद भी कमी हो सकती है। तो गाड़ी अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ये कलंदराबाद इंटरचेंज में मौजूद है, आप लोग वहाँ जाके गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोग गाड़ी के बारे में डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप उस पर राबिता करके मज़ीद भी गाड़ी के बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।